हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 6, वर्ड प्रॉब्लम्स, मिक्स्ड बैग। मिक्स्ड बैग मीन्स इसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों साथ में दिए हुए हैं। अब आपको चेक करना है कि किस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन होगा, किस में एडिशन और किस में मल्टीप्लिकेशन। देखिए, मिसेस तनेजा हैड रुपीज़ 8,000 इन हर पर्स। मिसेस तनेजा के पास में, उनके पर्स में कितने रुपीज़ हैं? टोटल 8,000 रुपीज़ हैं। शी स्पेंट रुपीज़ 4,930 ऑन ग्रॉसरी। उन्होंने ग्रॉसरी खरीदी, कितने की खरीदी? 4,930 रुपीज़ की। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हर। अब उनके पास कितना मनी बचा हुआ है? जहाँ पर भी लेफ्ट आएगा, इट मीन्स आपको क्या करना है? माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन देखिए। टोटल मनी कितना है मिसेस तनेजा के पास में? 8,000 रुपीज़। स्पेंट ऑन ग्रॉसरी, ग्रॉसरी पर कितना खर्च किया है उन्होंने? रुपीज़ 4,930। ये हमें गिवन है, जो भी गिवन रहता है हमें वो सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन में हमेशा। ओके, नाउ देयरफॉर मनी लेफ्ट, कितना मनी बचा है उनके पास? हम क्या करेंगे, साइड में सब्ट्रैक्शन करेंगे। 8,000 माइनस रुपीज़ 4,930। हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आंसर आया है हमारा? रुपीज़ 3,070। अब मिसेस तनेजा के पास में पर्स में कितने रुपीज़ बचे हैं? 3,070 रुपीज़। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज़ रुपीज़ 15.50। एक पेन है, उसकी कीमत कितनी है? 15 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है, हाउ मच विल अनीता पे, अनीता को कितना पे करना पड़ेगा इफ़ शी बाइज़ 5 पेन्स। अगर वो 5 पेन खरीदती है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा शॉपकीपर को, ये आपको बताना है। सी सॉल्यूशन सेकेंड, कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन की कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में? रुपीज़ 15 और 50 पैसा। ठीक है, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स। 5 पेन्स की कीमत कितनी होगी? देखिए, एक की अगर दी हुई है और 5 की पूछी है, तो जितनी 1 की होगी उसमें जितने की पूछी है उसका हमेशा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए, कम की दी है और ज़्यादा की पूछी है, इट मीन्स आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। देखिए, 15 रुपीज़ 50 पैसा इंटू 5, हमने मल्टीप्लीकेशन किया। 5 0 0, 5 5 25, राइट 5 ईयर एंड 2 इनर कैरी। 5 5 25 प्लस 2 27, राइट 7 ईयर एंड 2 इनर कैरी। नाउ 5 1 5 प्लस 2 7, सो आवर आंसर इज रुपीज़ 77.50। देयरफॉर अनीता पेज रुपीज़ 77.50 फॉर 5 पेन्स। तो अनीता को पे करना होगा 77 रुपीज़ 50 पैसे, कितने के लिए? 5 पेन्स के लिए। नेक्स्ट, मोना बॉट अ स्टोरी बुक फॉर रुपीज़ 57.50। मोना ने एक स्टोरी बुक खरीदी, कितने की? 57 रुपीज़ 50 पैसे की। शी गैव रुपीज़ 100 टू द शॉपकीपर। उसने शॉपकीपर को टोटल कितने पैसे दिए? 100 रुपीज़ दिए। हाउ मच मनी विल शी गेट बैक। तो उसे अब टोटल कितना रुपीज़ वापस देगा वो शॉपकीपर? सॉल्यूशन देखिए, टोटल मनी मोना गैव टू द शॉपकीपर। मोना ने टोटल मनी कितना दिया शॉपकीपर को? 100 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ स्टोरी बुक, स्टोरी बुक की कॉस्ट क्या है गिवन? 57 रुपीज़ 50 पैसा। मनी शी गेट बैक, अब उसे बैक मतलब बैक में हमेशा माइनस करना है, उसे मनी कितना रिटर्न मिलेगा वापस शॉपकीपर से? 100 में से 57.50 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? रुपीज़ 42.50। फोर्थ क्वेश्चन, तनु, मिनी एंड विकास वैन टू सी अ मूवी। मूवी देखने के लिए कौन कौन गए? तनु, मिनी और विकास गए। इफ़ इच टिकट कॉस्ट रुपीज़ 154.75। हर एक टिकट की कीमत कितनी है? एक टिकट की 154 रुपीज़ 75 पैसे। फाइंड द टोटल मनी पेड फॉर द टिकट्स। टोटल मनी कितना दिया होगा इन लोगों ने टिकट खरीदने के लिए? आप देखिए, 3 मेंबर्स है तो 3 टिकट्स ली होगी। 1 टिकट की कॉस्ट है इतनी, तो 3 की कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, कॉस्ट ऑफ 1 टिकट, एक टिकट की कॉस्ट कितनी है? रुपीज़ 154 और 75 पैसा। ठीक है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 टिकट्स, 3 मेंबर्स हैं तो 3 टिकट्स की कॉस्ट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किया हमने, आंसर क्या आया है? रुपीज़ 464 और 25 पैसा। टोटल ये कितने रुपीज़ खर्च किए इन्होंने? 464 रुपीज़ और 25 पैसे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ 1 बॉटल ऑफ जूस इज़ रुपीज़ 45। एक बॉटल जूस की, उसकी क्या कॉस्ट है? 45 रुपीज़।
कॉस्ट ऑफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 सच बॉटल्स। अब आपको क्या फाइंड करना है, 10 बॉटल्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। देखिए एक की दी हुई है और 10 की फाइंड करनी है, इट मीन्स कम की दी है और ज़्यादा की फाइंड करनी है, इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है। सॉल्यूशन देखिए फिफ्थ का, कॉस्ट ऑफ वन बॉटल ऑफ जूस जो गिवन है वो लिखेंगे हम पहले, कितनी है वन बॉटल ऑफ जूस की कॉस्ट, फिर 45 रुपीज़। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 10 बॉटल्स ऑफ जूस, अब हम 10 की निकालेंगे तो क्या करेंगे, 45 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। देखिए मल्टीप्लिकेशन किया, हमारा आंसर क्या आया है, ₹450। तो 10 बॉटल्स की कॉस्ट कितनी होगी, ₹450। नाउ स्टूडेंट राइट दिस एक्सरसाइज, फुल एक्सरसाइज इन योर मैथ्स फेयर कॉपी। थैंक यू।